लोग को सूचना मिला है कि माननीय विधायक जी के घर पे आईटी का रेड पड़ा है, लेकिन हम लोग के आने के बाद जो आईटी के लोग आए हैं अधिकारी, उनका एक इनोवा गाड़ी जो यहाँ पे अभी भी खड़ी है, और उस गाड़ी में बीजेपी का विधानसभा का कार पास लगा हुआ है, जो कि सारे मीडिया के सामने उस स्टिकर को उतारा गया है। निश्चित रूप से पहले से भी ये चला देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ में बोलते हैं, जो अपने क्षेत्र का विकास के लिए काम कर रहे हैं, गरीब गुरुओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये पसंद नहीं आता है कि कोई विधायक एक साल में डेढ़ साल में इस तरह से विकास करे। हमारे माननीय विधायक का जो कार्यकाल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है, क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे इकट्ठित है। आईटी का रेट पड़ रहा है, हम लोग ठीक है शांतिपूर्वक यहाँ पे हम लोग खड़े होकर उस चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो एक साजिश बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा था, निश्चित रूप से गाड़ी से सिद्ध होता है, इसमें स्टिकर लगा करके और सरकारी अधिकारी हमारे माननीय विधायक जी के घर पर रेड मारने आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, और इसका हम लोग विरोध करते हैं कि अगर किसी साजिश के तहत हमारे विधायक जी पर किसी तरह का आरोप ये लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो बेरमो की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।